सुप्रभात बच्चों। बेटे, हमने आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द और वाक्य पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें हमने शब्द की परिभाषा और शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था और वाक्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ ही शब्द रचना किस किस से होती है, उपसर्ग और प्रत्यय से, उसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा था। वाक्य की परिभाषा, वाक्य के दो भेदों के नाम और उनकी डेफिनेशंस, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, री ते छे। इन वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बोलिए। तो इन 3 वर्णों से सार्थक शब्द, सही क्रम में लग के कोई सार्थक शब्द क्या बनेगा, वो होगा छतरी। छतरी। गुबेला को सही क्रम में लगाकर 2 शब्द बनाइए। गुबेला से गुलाब, गुलाब बनेगा और बैगुला बगुला। इस तरह से 2 सार्थक शब्द का निर्माण हो सकता है। फुटबॉल केशव रहा है मैदान खेल में। इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। तो इसका सही क्रम में कैसे बनेगा वाक्य, एक कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनेगा, केशव मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। एक वाक्य बनाते वक्त सबसे पहले बेटे हम कर्ता होता है, उसके बाद क्रिया कर्म होता है और फिर क्रिया होती है। इन 3 शब्द चीजों से एक वाक्य बनता है। तो केशव यहाँ पे कर्ता है, मैदान में फुटबॉल कर्म हो जाता है और खेल रहा है क्रिया है। तो ये इसी क्रम में हमने वाक्य का निर्माण किया है। शब्द किसे कहते हैं, ये इसका आंसर आपको आपकी चैप्टर का की फर्स्ट डेफिनेशन, यहाँ पे वाक्यों के सार्थक और क्रमरत समूह को शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण आप लिख लेंगे, मछली और जोकर क्या है, शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखिए, आपके एक बार फिर से का 3रा पॉइंट, वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई भी आप एक शब्दों के उदाहरण दे सकते हो, मछली, जोकर, किताब, विद्यालय, ठीक है, कोई भी उदाहरण दे देना। वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रीतज है, गुबेला, कोई भी निरर्थक शब्द का उदाहरण आप इसमें लिख लेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, इसका उदाहरण इसका भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। आपके वाक्य की डेफिनेशन, शब्द के सार्थक तथा क्रमरत समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे निशा किताब पढ़ रही है, रिया अपने पिताजी के साथ विद्यालय से घर जा रही है, ये वाक्य के उदाहरण हैं। उदाहरण के साथ ही बेटा आपको डेफिनेशन लिखनी है। वाक्य के कितने अंग हैं, अंगों की परिभाषा लिखिए। इसमें आपको लिखना है वाक्य के अंग, वाक्य, उद्देश्य और विधेय। ये डायग्राम आपको अपने नोटबुक में बनाना है, ठीक है। वाक्य के 2 अंग कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर उद्देश्य की परिभाषा, जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय की डेफिनेशन, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। एक उदाहरण से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, इस वाक्य में धोबी क्या है, उद्देश्य, और कपड़े धो रहा है, विधेय। यहां तक आपको इसका आंसर लिखना है जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। अगला, टर्न योर पेज। सेकंड प्रश्न देखिए बेटे, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सही वाक्य के 2 अंग होते हैं, सही। निरर्थक शब्दों का अर्थ होता है गलत, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं होता। मूल शब्दों के साथ जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग होते हैं, गलत, वो प्रत्यय। बाद में जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। लड़का है राहुल ईमानदार, तो इसका सही क्रम में वाक्य कैसे बनेंगे, राहुल ईमानदार लड़का है। चिड़ियाघर सब थे गए हम सब चिड़ियाघर गए थे। मित्र बहुत कृष्ण थे, सुदामा और अच्छे, कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे मित्र थे। करता हूँ काम खुद मैं अपना काम खुद करता हूँ। स्वादिष्ट मम्मी बनाती है मेरी खाना,
मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती है। निम्नलिखित शब्दों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शब्द किसके सार्थक समूह को कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। नाखुश में उपसर्ग क्या है? ना। सुंदरता में प्रत्यय क्या है? ता। इसके अलावा ये प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए बादल में सार्थक और निरर्थक शब्द आपस में मिल गए हैं। दिए गए पेड़ में उन्हें अलग अलग करके लिखिए। ये एक बादल है जिसमें आपको निरर्थक और सार्थक शब्द मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। आपको इस पेड़ में अलग अलग करके इसे लिखना है। तो सार्थक शब्द यहाँ पे रह जाबा रजाबा क्या है? निरर्थक शब्द, इसे हम निरर्थक वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर कमीज है, कमीज सार्थक शब्द है। कागज, कागज सार्थक शब्द है, हमने लिख दिया हमने। लागम, लागम कोई अर्थ नहीं होता इसलिए ये निरर्थक शब्द है। लुआ का कोई अर्थ नहीं होता। बिजली, खिड़की, पुस्तक, इन सभी का अर्थ होता है, हम अच्छे से जानते हैं इन्हें। लतवार, इसका कोई मतलब नहीं होता। और धनिक, कोई मतलब नहीं है इनका। तो ये वर्ड हम इस तरह से अलग अलग करके लिख लेंगे। और ये बेटा आप जब नोट, इसको आपको बुक में ही करने हैं ये क्वेश्चंस जो मैंने बुक में फिल कर रखी है। आपको सिर्फ ये मौखिक और ये लिखित प्रश्न है ये अपनी नोटबुक में करना है और इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है बेटे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके तीनों चैप्टर्स का फिर टेस्ट कभी भी ले लूंगी, ओके बेटे। आपके तीन चैप्टर हिंदी ग्रामर में कंप्लीट हो गए हैं, आपको इन्हें अच्छे से लर्न करके रखने हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बेटे बाय बाय, हैव अ नाइस डे।